आप सब लोगों को जय मसीह की। टुडे इज द थर्ड संडे बिफोर क्रिसमस एंड द थीम ऑफ आवर वर्शिप दिस मॉर्निंग इज द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स अ रिस्पांस फ्रॉम इट्स हियर। इसका मतलब यह बनता है कि परमेश्वर का वचन हम सबसे ओबीडियंस चाहता है एंड हमें प्रभु की बात को मानना है। इट वॉन्ट्स, इट डिमांड्स, हमसे वो डिमांड करता है ओबीडियंस, अ रिस्पॉन्स, अन ओबीडियंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द हियरर्स। तो खुदावंद हमें ऐसी तौफीक और ताकत दे कि आज के वचन को हम गूढ़ता से समझें और वो हमारे लिए बरकत का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर की हमारा चर्च जो है बहुत आतुर है कि वो प्रभु तेरे होली हैकल में आए, मगर खुदावंद क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं और 50 लोगों से ज्यादा लोग आ भी नहीं सकते हैं, इसलिए खुदावंद हमको जो जो डिसीजंस लेने हैं उसमें हमारी मदद करें, चर्च जल्द से जल्द खुलने पाए। और खुदावंद ये बीमारी जाती है और इस समय खुदावंद अपने वचन की गहराई में हमें लें, अपनी आत्मा हम पर ले लें और खुदावंद जो भी हम आज वचन पढ़ें, भजन कीर्तन करें, सब तुझे पसंद आए और खुदावंद तेरी होली स्पिरिट हमारी अगुवाई करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम अपना पहला गाना गाएंगे। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a king. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world the Savior brings. Let man their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, far as the curse is found. Far as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love. इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी ज़करिया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें, और मिस्टर ज़ीशान सरन इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। पुरानी उनका पाठ ज़करिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1-6 आयत। ज़करिया 1:1-6। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में ज़करिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो अगले भविष्यवक्ता ये पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे और भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञा जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। इस समय हम सब पढ़ेंगे भजन 119, उसका 129 आयत से लेके
134 आयत तक, साम 119 वर्स 129 टू 134 एंड मिस्टर वीनू मिल्खा विल लीड अस इन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। टुडेज रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 129 टू 134। It tells us about the desire to obey the law of the Lord. Your teachings are wonderful. I obey them with all my heart. The explanation of your teachings gives light and brings wisdom to the ignorant. In my desire for your commands, I pant with open mouth. Turn to me and have mercy on me, as you do on all those who love you. As you have promised, keep me from falling. Don't let me be overcome by evil. Save me from those who oppress me, so that I may obey your commands. This is the today's reading. Epistle की reading ली गई है दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय आयत से उसकी चौथे अध्याय की पांचवें आयत तक और मिस्टर सुधीर पीटर इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आज का दूसरा पाठ नए नियम की पुस्तक दूसरे तिमोथियुस के तीसरे बाब की 14वीं आयत से चौथे बाब की 5वीं आयत तक है, जिसमें लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सदा बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये परमेश्वर की वाणी है, ईश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. John, chapter 5, verse 31 to 40, and Mr. Royal Simon will lead us in the reading of the text. The Holy Gospel is written, the Gospel according to St. John, Chapter 5, verses 31 through 40. St. John, chapter 5, beginning at verse 31. Glory to you, Lord Jesus. If I alone bear witness about myself, my testimony is not deemed true. There is another who bears witness about me, and I know that the testimony that he bears about me is true. You sent to John, and he has borne witness to the truth. Not that the testimony that I receive is from man, but I say these things so that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and you are willing to rejoice for a while in his light. But the testimony that I have is greater than that of John. For the works that the Father has given me to accomplish, the very works that I am doing bear witness about me that the Father has sent me. And the Father who sent me has himself borne witness about me. His voice you have never heard, his form you have never seen. And you do not have his word abiding in you, for you do not believe the one who he has sent. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me. Yet you refuse to come to me that you may have life. This is the gospel of Christ.
Praise be to the Lord Jesus. I am अपने सरों को खुदावन के हजूर झुकाएं. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. अगर हम ज़करिया नबी की पुस्तक जो कि हमारी ओल्ड टेस्टमेंट रीडिंग है उसकी तरफ देखते हैं तो ज़करिया नबी क्लियरली कह रहा है क्योंकि तुम लोगों ने परमेश्वर की वाणी को सुनकर उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि तुमने परमेश्वर की बात को नहीं रखा इसलिए परमेश्वर तुमसे अति गुस्सा है. क्यों गुस्सा है परमेश्वर? क्योंकि तुमको कहा गया था, कोई वचन दिया गया था, उसको सुनना है. हम देखते हैं परमेश्वर का वचन चारों तरफ फैला चला जा रहा है, लोग चारों तरफ परमेश्वर के वचन की तरफ रजू कर रहे हैं और हम भी चर्च की एक एक सर्विस आपको भेज रहे हैं और हर संडे की सर्विस आपके पास जाती है और हर संडे हम परमेश्वर के वचन को खोल के पढ़ते हैं और उस वचन को पढ़ना है और सुनना है. परमेश्वर का वचन वेरी क्लियरली कह रहा है कि तुम्हें मेरे वचन को सुनना है और फिर उसके ऊपर सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स करना है, यानी उसके ऊपर ओबीडियंटली रिस्पॉन्स करना है. आपको जो कहा गया है वो करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्व का कहां है वो लोग जो बलवा करते थे वो मर गए, खप गए, खत्म हो गए और जो बताने वाले थे वो भी मर गए, खप गए, खत्म हो गए. मगर परमेश्वर का वचन अटल रहा, वो कभी भी नहीं घटा, वो हट ही नहीं सकता. आसमान और जमीन ढल जाएंगे मगर परमेश्वर का वचन नहीं हटेगा. इसलिए परमेश्वर के दासों को उसने कहा कि तू मेरे लोगों को परमेश्वर के वचन से बांध. दास हर संडे आपको वचन भेज रहा है, आपके पास जूम मीटिंग का लिंक हर समय आ रहा है कि भैया आइए कॉर्पोरेट मीटिंग कीजिए. बहुत से लोग पादरी साहब से कॉन्टेक्ट करते हैं कि पादरी साहब हम अपने घर में जूम मीटिंग चाहते हैं, तो उनके घर में इंडिविजुअल जूम मीटिंग होती है और आप लोगों से भी हम आमंत्रित करते रहते हैं कि भाई आप अपने घर में इंडिविजुअल जूम मीटिंग करें, तो इंडिविजुअल जूम मीटिंग हमारी होती ही रहती है और एक कॉर्पोरेट जूम मीटिंग भी चालू हुई है जिसके अंदर हम वेनेसडे को सबको बुलाते हैं कि भाई आप आए परमेश्वर के वचन को पढ़ें. क्योंकि जब वचन को जब आप पढ़ते हैं ढेरों लोग आते हैं. मैं धन्यवाद देता हूँ कलीसिया का कि बहुत से लोग उस मीटिंग में ज्वाइन करते हैं और खुदा के वचन को सीखते हैं. मगर परमेश्वर मुझसे और आपसे आज क्लियरली कह रहा है कि जब मैं तुम्हें पुकार रहा हूं तो तुमको एक ओबीडियंट रिस्पॉन्स करना ही है, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें. हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसके मुताबिक चलना है और तब हमारी बरकतें आएंगी. परमेश्वर अपने लोगों को यह समझाना चाहता है. हम एडवेंट के संडे में आ चुके हैं, पिछली बार फर्स्ट एडवेंट था, अब दूसरा संडे है यानी थर्ड संडे बिफोर क्रिसमस. और परमेश्वर कह रहा है अपने दिलों को तैयार कर लो. अब परमेश्वर अपने दिलों को हम तैयार परमेश्वर के लिए तैयार किससे करेंगे? हम परमेश्वर के वचन से तैयार करेंगे. आजकल हमारी जूम मीटिंग में हिब्रू की मीटिंग पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो हिब्रू के फर्स्ट चैप्टर में पहली चंद आयतों में उसने लिखा जो हिब्रू का राइटर है कि यीशु मसीह जो है वो कह रहा है कलीसियाओं से कि मैंने इस आसमान और जमीन को बनाया. I am the one जिसको खुदा ने कहा कि तू ये जमीन और आसमान को बना, और उसके बाद जब सारी चीजें बन गई तो खुदा ने कहा तू प्रभु का कर, यू आर द किंग ओवर हियर. और खुदावंद ने अपनी सारा अधिकार यीशु को दे दिया और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाते हैं कि किस प्रकार से यीशु जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो वो वहां से उसकी आत्मा खा गई. ओल्ड टेस्टमेंट में जो ऑफरिंग्स हुआ करती थी वो ऑफरिंग चढ़ाने के बाद उनको ऑफर करने के बाद जो मैं कुर्बानियों की बात कर रहा हूं जो उसका ब्लड होता था उसको लेके हाई प्रीस्ट कहां जाता था? पर्दे के पीछे. तो मंदिर के अंदर एक पर्दा होता था, पहले आउटसाइड फेस था, फिर सीकिंग फेस था जहां पर लोग बैठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे और उसके बाद एक पर्दा होता था, उसके बाद होली ऑफ होलीज होता था. और परमेश्वर जब और उस होली ऑफ होलीज के पीछे हाई प्रीस्ट एक बार साल में जाया करता था अपने हाथ में उन कुर्बानियों का ब्लड लेके. मगर जब यीशु उस जगह पर घुसा उस पर्दे के अंदर, तो
तो वो अपना ही ब्लड लेके कहां चला गया, उस पवित्र स्थान के अंदर चला गया, और जब वो उस पर्दे के में से गुजरा तो एंजल्स ने उस पर्दे को फाड़ दिया ऊपर से नीचे तक, और वो पर्दा हट गया। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे मनों पर जो दिमाग पर पर्दा चढ़ा हुआ है उसको हटाना बहुत जरूरी है, और वो हटाएगा कौन, परमेश्वर के वचन की रोशनी। तो हम लोग परमेश्वर के वचन की रोशनी में पर चले, और इसके लिए खुदावंद हम सबको पुकार पुकार के कह रहा है कि प्रिपेयर योर हार्ट्स फॉर क्रिसमस। हमने पिछले संडे एक गाना गाया था, कब जन्मेगा मन में मेरे तू जन्मा था चन्नी, यानी मतलब प्रभु चन्नी में तो जन्म ले लिया 2000 साल पहले, मगर हमारे मन में कब जन्मेगा, और हमारे मन में जब जन्मेगा और उसके रोशनी हमारे मन के अंदर बढ़ने लगेगी तो जो तेरे मन में है वही तेरे मुंह से निकला करेगा, तब हमारे मुंह से किसी का भी बुरा नहीं निकलेगा, हमारे मन में किसी का बुरा आएगा ही नहीं। That is what God is saying, एक पैराडाइम शिफ्ट आ जाएगा, और परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम उसके वचन की रोशनी में ऐसे बढ़ जाए कि हमारे अंदर से वो रोशनी निकलने लगे, हमारे दिल से वो रोशनी फूट निकले। कई बार हम अपने ईगो को ही नहीं हटा पाते और इसलिए हम कभी भी परमेश्वर की उस रोशनी को झलका ही नहीं पाते, हम अपने अपने को दिखाते रहते हैं मैं। परमेश्वर कह रहा है तेरे जीवन से मेरा वचन निकलना चाहिए, तेरे जीवन से मेरी रोशनी निकलनी चाहिए, और वो रोशनी तुम्हारे अंदर से तब निकलेगी जब वो तुम्हारी रोशनी तुम्हारे दिल के अंदर होगी, और वो रोशनी तुम्हारे दिल के अंदर तब होगी जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा। क्योंकि इंसान आता है और जाता है, राजा बड़े बड़े राजा थे वो सोचते थे अरे ये जो किले हमने बनाएंगे हमारे, आज उन किलों में उल्लू बसते हैं, आज वो किले ऐसे खाली पड़े हैं, क्यों, क्योंकि वो सोचते थे कि ये हम टोटल इंचार्ज है। मां परमेश्वर कहता है मेरा वचन कभी न टलेगा, आसमान और जमीन टल जाए मगर मेरा वचन न टलेगा, और जकरिया नबी भी यही कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मेरे वचन को सुना मगर उसके ऊपर चले, इसलिए परमेश्वर तुमसे अति गुस्सा हो गया। आज परमेश्वर जो है उसका गुस्सा दिख रहा है, इतने सारी तरफ चारों तरफ कोविड हो रहा है, यंग यंग बच्चों को कोविड की बीमारी हो गई है, और देख रहे हैं कि बहुतों की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, तो हम देख रहे हैं कि खुदावंद ने हम सबको बचा के रखा है क्योंकि हमने बुद्धि से काम किया, हमने अपने सोशल डिस्टेंसिंग और लगा के रखा, हमने अपने आप को बचा के रखा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तक मेरा गुस्सा टल ना जाए अपने आप को छुपा के बचा के रखो। तो हम पिछली बार भी यही कह रहे थे कि अपने आप को बचाना सबकी अपनी ड्यूटी है, हम सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्रभु परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने आप को किस चीज से बचा के रखें, सिर्फ जर्म से नहीं, अपने आप को सबसे बड़े जर्म से बचाएं, और वो है गुनाह, वो है हुकूमदूली, वो है बदतमीजी करना, वो है किसी की बात को ना मानना, अपने ईगो को इतना ऊंचा रखना, ये सब चीजों से हमें अपने आप को बचाना। दीज आर सिंस, बहुत से लोग इन सिंस में अपने पूरे पूरे खानदान को खराब कर लेते हैं। खुदावंद मुझे और आपको बुला रहा है कि तुम लोग अपने अंदर के गुनाह को जो कि सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है उसको निकाल कर फेंक दो, और उसको निकालेगा कौन, परमेश्वर के वचन की रोशनी। जब सूरज उगता है तो बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं वो अपने आप मर जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, सूरज की रोशनी आती है ढेरों जर्म्स मर जाते हैं। आज भी जब कोविड चल रहा है तो वो कहते हैं भाई आप अगर खुले में हैं, ओपन स्पेस में हैं और सूरज की रोशनी पड़ रही है तो यू आर मच सेफर। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने ऊपर परमेश्वर के वचन की रोशनी को डाल दो ताकि तुम्हारे अंदर से वो चीजें जो गंदगियां तुम्हारे दिल के अंदर बसती हैं उसके अंदर परमेश्वर जाकर उसको साफ कर देना चाहता है। हमको अपने दिल को तैयार करना है ताकि यीशु राजा जो है वो हमारे दिल में विराजमान हो। हिब्रूस की पुस्तक में एक चीज जो हम आजकल पढ़ रहे हैं
अपनी जूम मीटिंग में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वेडनेसडे को 7 बजे हमारी जूम की मीटिंग होती है और उसमें अगर आप देखेंगे कि हम लिंक भेजते हैं, अगर आपको लिंक नहीं आया तो आप पास्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास लिंक नहीं पहुंचा, आप पास्टर मुझे लिंक भेज दें तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। मगर हमारी कोशिश रहती है कि हम लिंक भेज दें और हमने पूरा ग्रुप बना दिया, उसके अंदर लिंक हम डाल देते हैं, प्लीज ज्वाइन। अब वहां पर यू लिखा है जब हम हिब्रूज की पुस्तक को समझ रहे थे कि जैसे टेम्पल के अंदर 3 चीजें थी, आउटसाइड कोर्ट, द इनर कोर्ट, द इनर बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल एंड द होली ऑफ होलीज। और जो जो आउटसाइड कोर्ट था जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी उसको कहते हैं आस्किंग फेस। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है कि मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, यानी मैं कहां रहता हूं, मैं अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता हूं। और वो अपने हाथ का बनाया हुआ मंदिर कौन है? हम लोग हैं। परमेश्वर हमारे अंदर आकर जन्म लेना चाहता है और वही वो गाना कह रहा है, कब जन्मेगा मन में मेरे, तू जन्माता जननी है। यानी परमेश्वर हमारे मन में जन्म लेना चाहता है और वो हमें चाहता है कि वी मे प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द जीसस क्राइस्ट। हम क्राइस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। अब प्रिपेयर कैसे करेंगे? हम परमेश्वर के पास आए और उसके वचन को सीखें। अब हम अपने बॉडी को देखते हैं, जो आउटसाइड कोर्ट था उसको कहते थे आस्किंग फेस, जो जहां लोग बैठ के पढ़ते थे यानी मतलब टेम्पल के अंदर की जगह, उसको कहते थे सीकिंग फेस। और जो कर्टन के पीछे था, कर्टन आ गया तो लॉकिंग फेस, और उस कर्टन के पीछे था होली ऑफ होलीज। अब परमेश्वर पत्थर के बनाए हुए गिरजे में रहता ही नहीं है, तो वो कहां रहता है? वो हमारे दिलों में रहना चाहता है। और वो किसका बनाया हुआ है? वो परमेश्वर का बनाया हुआ है। हम सबको किसने बनाया? हमको परमेश्वर ने बनाया और वो हमारे अंदर आना चाहता है। तो हमारा आस्किंग फेस कहां है? हमारा मुंह है। हम अपने मुंह से मांगते हैं, कुछ भी चीज मांगनी होती है हम अपनी जुबान को लाते हैं, मुंह खोलते हैं, तब वो हमारे मुंह को भरता है। यानी मतलब आस्किंग फेस इंसान का मुंह है। सीकिंग फेस, हम कहां पर अंदर आके, हम चर्च के अंदर आके क्या करते हैं? ग्रंथों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को ढूंढते हैं। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो जब हम ढूंढते हैं तो हमारे अंदर वचन आने लगता है। तो ढूंढते हम कैसे? अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है मुंह तुम्हारा आस्किंग फेस है, दिमाग तुम्हारा सीकिंग फेस है, और फिर नॉकिंग फेस, और जो होली ऑफ होली उसके अंदर है वो क्या है? वो तुम्हारा दिल है। तुम्हारा दिल जो है होली ऑफ होली है। अब हमारे दिल के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? जो होली ऑफ होली में क्या थे? होली ऑफ होली में कवनेंट बॉक्स था। कवनेंट बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें थी? एक तो मूसा की लकड़ी थी जो कि बडिंग रॉड थी, मूसा की वो आमंड की रॉड थी, और उसके ऊपर क्या उगते थे? आमंड उगते थे और पत्ते भी थे, ग्रीन थी, कलियां भी उसमें उतरी थी, आमंड उग रहे थे, और वो कवनेंट बॉक्स के अंदर होकर भी थी, उग रही थी। उस कवनेंट बॉक्स के अंदर परमेश्वर का वचन था, उसके अंदर मूसा की लकड़ी थी, और उसके अंदर क्या था? मन्ना थी, और वो मन्ना सड़ती नहीं थी, मन्ना सालों साल उस लोने की जान के अंदर, वर्तमान के अंदर वो रखी हुई थी। तो हम देखते हैं परमेश्वर हमारे दिल के अंदर अपने वचन की प्रेजेंस चाहता है, वो हमारे दिल के अंदर एक होप चाहता है कि खुदाबंद में हमें पूरे आशा हो कि वो हमारे बलवंत बनाएगा, और तीसरा हमें आशा है कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो यानी मुंह से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो यानी ढूंढो खुदा को, दिमाग लगाकर ढूंढो तो तुम उसे पाओगे, और खटखटाओ तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और परमेश्वर ने हम सब के लिए वो पर्दे को फाड़ दिया और खुद वो अंदर आ गया ताकि हमारे पास वो हमारे दिलों में जन्म ले सके। कब जन्मेगा? मन में मेरे, तू जन्माता चरनी में। खुदावंद ने हम सबसे ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो परंतु
अनंत जीवन पाए। अगर हम न्यू टेस्टमेंट की रीडिंग जो हमारे सामने अभी पढ़ी गई तिमोथी, सेकंड तिमोथी में से उसका तीसरा अध्याय और उसकी 14 आयत से, वहां पर पौलुस रसूल तिमोथी को एक चिट्ठी लिख रहे हैं और उसमें कह रहे हैं तिमोथी तू वचन प्रचार करने में लगा है, तू इधर उधर की बातों में मत लगा है। कई लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं भाई चर्च सजाना है, क्रिसमस ट्री सजानी है और ये करना और वो करना है, मगर सच्चाई है तुझे अपने मन को सजाना है और मन सिर्फ खुदा के वचन से सजेगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने मन को सजाने वाले लोग बनो और जब मन अच्छा होगा तो जैसी तेरी नियत है वैसी तेरी बरकत होगी। आप उठा के देख लें, अगर आपकी नियत अच्छी नहीं है तो आपकी बरकत भी नहीं होगी। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि हमको अपनी नियत को अच्छा करना है। पौलुस रसूल तिमोथी को बता रहे हैं कि आए तिमोथी मेरे बेटे, तू जो है परमेश्वर के वचन के प्रचार में लगा रहे, क्योंकि वचन का प्रचार ही सबसे ज्यादा जरूरी है और परमेश्वर के लोगों को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। वचन तो उनके घर पे पहुंच रहा है, वो अगर चर्च नहीं भी लग पा रहा है तो भी वचन उनके घर पे पहुंच रहा है। आप अपना टीवी खोलिए वचन देखिए, मोबाइल खोलिए वचन देखिए। परमेश्वर कह रहा है वचन से अपने दिल को सजा ले और वो काम करने से रुक जो कि अच्छा नहीं है। अपने अंदर परमेश्वर की रोशनी को तू जला ले। और वहां ये भी कह रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी अपने चाल चलने लगते हैं। तो पौलुस रसूल तिमोथी को कह रहे हैं कि तू ऐसे लोगों को डांट, यानी पादरी की ये ड्यूटी है कि वो लोगों को डांट कि भाई तुम गलत राह पे जा रहे हो, जो परमेश्वर की राह है उसको चुनो। और दैट इज व्हाट गॉड इज आस्किंग थ्रू हिज चाइल्ड पौलुस। वो हमें बताना चाह रहा है कि सारे लोगों को प्रिपेयर कर कि वो यीशु को अपने दिल में जन्म लेने दें, क्योंकि जब यीशु हमारे दिल में जन्म लेंगे तब उसकी रोशनी हमारे को अगुवाई देने लगेगी। जब हम उससे मांग रहे होंगे वो हमारी सुन लेगा, हमारे मांगने से पहले ही खुदावंद हमारे चीजों को हमारे को मुहैया करेगा। तो परमेश्वर से मांगो। कई बार हम इंसानों पर भरोसा करने लगते हैं, ये मुझे ये करेगा वो करेगा। परमेश्वर मुझे और आपको पुकार रहा है, तू उससे मांग क्योंकि दाता वो है। परमेश्वर का वचन ऐसे ही कह रहा है, ओल्ड टेस्टमेंट में भी कह रहा है और न्यू टेस्टमेंट में भी यही बात कह रहा है कि मेरा वचन सच्चा और पाया हुआ है, आए तिमोथी तू उसको सही तरीके से देख और सिर्फ मेरे वचन को दे। और जब तू मेरे वचन को उनको समझाएगा और उनको उस वचन की रोशनी से, उस वचन की लाठी से उनको डांट, उनको समझा, उनको तंबी कर, ताकि वो उस पद से नाटे जो कि मैंने उनके लिए रखा है। और वो परमेश्वर हमें आज चाहता है कि हम अपने दिल को प्रिपेयर करें ताकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीसस क्राइस्ट द राइटस हमारे जीवन में जन्म ले। और ना सिर्फ जन्म ले, वो बढ़ता जाए और हमारे बरकत का कारण बन जाए, वो हमारे बरकत का स्रोत बन जाए, वो हमारे ऊपर ऐसी बरकत दे कि व्हाइल वी आर येट स्पीकिंग गॉड विल हियर, ऐसा होने पाए। अगर हम भजन 119 को पढ़ते हैं तो वहां क्लियरली लिखा है कि तेरी चेतावनियां अनूप है और इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूं। यानी जो चेतावनियां तू मुझे देता है, जो तेरी गाइडेंस है, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सबके लिए, मेरे लिए और आपके लिए और सब बातों से बढ़कर उसका वचन है। और तेरा वचन आए खुदावन तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब मेरे सामने तेरी बातें खुलने लगती हैं तो मैं प्रकाशमान हो जाता हूं और शुभायमान हो जाता हूं, उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यानी अभी तक हम बोले हैं और जब तेरा प्रकाश हम पर उजाला हो जाता है तो हम गलत राह से बच जाते हैं। तो तेरे वचन को खुलने से रोशनी निकलती है। तो परमेश्वर का वचन खोलने के लिए आजकल हम कितनी वचन आ रहा है आपके घर पे, आपके घर पे जूम मीटिंग आ रही है एंड इट इज ओपन टू ऑल। आप कोई पर्टिकुलर जो भी बंदा परमेश्वर के वचन को सुनने में इंटरेस्टेड है, ही कैन लिंक ऑन द जूम मीटिंग। और जूम मीटिंग का जो डिटेल्स है
वो आपके सामने हम स्क्रीन पे देते हैं कि ये जूम मीटिंग है, तो आप उस पे ज्वाइन करें, उसका पासवर्ड आपके सामने अभी है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने मुझे पासवर्ड पता नहीं था। मैं मुंह खोलकर हाँपने लगा क्योंकि मैं तेरी आत्माओं का प्यासा था, जैसे तेरी रीति अपने नाम के निमित्त रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी और भी मिलकर मुझ पर अनुग्रह। यानी मतलब भजन का राइटर लिख रहा है, क्या है खुदावन तुम मुझ पर ऐसी बरकत कर जैसे कि एक जो तेरे वचन को खुलने से लोगों के ऊपर होती है, मेरे पैरों को अपने वचन के लिए बात के लिए स्थिर कर और किसी भी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे, मुझे मनुष्यों के अंधेरे से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर हमें चाह रहा है कि हम उसकी विधियों को सीखें, और विधियां उसकी लिखी नहीं है, वचन लिखा हुआ है, मगर कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है। हम जूम मीटिंग में बहुत सी चीजें समझ रहे हैं आजकल, और जितने भी लोग जो वहां ज्वाइन कर रहे हैं सब बहुत ही बरकत वाले हैं, क्योंकि उनको वो चीजें समझ आ रही हैं जो उन्होंने कभी समझी नहीं थी पहले, और वो क्लियरली लिखी नहीं है वहां पे, मगर हमको ऐसे मौका नहीं मिला, तो वी शुड बी थैंकफुल कि हमारे चर्च में ना सिर्फ आपको वचन घर तक पहुंचाया जा रहा है, आपके घर तक जूम मीटिंग भी आ रही है। तो हमको बहुत ज्यादा आगे परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, क्योंकि जब आप वचन के हो जाएंगे और वचन आपका हो जाएगा, यानी जब आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप हो जाएगा, आप उससे जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर आपके लिए कर देगा। That is what is the relationship of God with the man. परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और ये किसने कहा है? यीशु ने कहा है। और परमेश्वर कह रहा है आसमान जमीन टल जाएंगे मगर मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो जो परमेश्वर ने कहा है वो ऐसे नहीं कहा है, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और परमेश्वर यीशु ने कहा मैं वो दिन आएंगे जब मैं अपना वचन तुम्हारे दिलों पर लिख दूंगा। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि वो वचन हमारे मनों पर लिखा तब जाएगा जब हम परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन को बार बार सुनेंगे। तो परमेश्वर के वचन को करना क्या है? पढ़ना है, सुनना है। अगर आप चर्च नहीं आ पा रहे तो भी खुदावन का वचन घर में पढ़ पा रहे हैं, आपको परमेश्वर का वचन मिल रहा है, तो वी मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि खुदावन हमें एक ही चीज चाहता है कि हम वचन की रोशनी को अपने अंदर डाल दें। अगर हम गॉस्पल रीडिंग को भी देखते हैं तो वहां यीशु मसीह बिल्कुल यीशु के शब्दों में बोला गया है कि तुम लोग जो हो यहूना की गवाही को सुनकर खुश हुए, तुम यहूना की रोशनी में थे, यहूना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु कहते हैं मैं किसी की गवाही नहीं चाहता, मैं किसी ह्यूमन बीइंग की गवाही चाहता ही नहीं हूं, मैं किस चीज को चाहता हूं, मैं मेरे वचन और मेरे कर्म मेरी गवाही देते हैं। यानी मतलब मेरे वचन इतने अच्छे हैं और मेरे कर्म जो कि मैं अंधों को आंखें दे देता हूं, मुर्दों को चंगा कर देता हूं, मेरे जो काम है वो मेरी गवाही देते हैं। यानी मतलब इंसानी क्या गवाही होगी? वो यीशु कह रहे हैं कि तुम अपनी आंखों को खोलो, तुम वचन में जब ढूंढने जाते हो तो समझ नहीं पाते हो, जैसा कि हम वचन में यही नहीं समझ पाते कि यीशु की आत्मा जब क्रूस पर उसने अपनी जान दी और टेटलेस जाई बोला और अपनी जान जो थी वो दे दी, तो उसकी रूह वहां से उसने अपनी रूह परमेश्वर के हाथ में सौंप दी और उसी समय टेम्पल का पर्दा हट गया। और हिब्रूज की किताब में क्लियरली लिखा है कि हाई प्रीस्ट जो है वो जब ऑफरिंग लेके ब्लड लेके सैक्रिफाइस के ब्लड को लेके वो होली ऑफ होलीज में जाता था और बीच में एक पर्दा होता था, मगर यीशु खुद अपना ही ब्लड लेके पर्दे के अंदर घुसा और पर्दा ऊपर से नीचे तक हट गया। ये चीज हमें समझ नहीं आई क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो और पवित्र शास्त्र जो है वो मेरी गवाही देते हैं, मगर क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है पवित्र शास्त्र को तो तुम समझ नहीं पाते।
यानी पवित्र शास्त्र को समझने के लिए कोई समझाने वाला होना चाहिए। और आज की तारीख में हम एक जूम मीटिंग में मिलकर पवित्र शास्त्र को सीखते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान कर लो, और तब जो चीज तुम मांगोगे मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा, और तुम मुझ पर जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। यानी मतलब कि हमको परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर के वचन को सुनना है, समझना है। और मैं तो गुजारिश करूंगा यहां से भी कि आप लोग प्लीज सबके सब परमेश्वर की हजूरी में आए, और आप लोग जो है परमेश्वर की जो जूम मीटिंग है उसको ज्वाइन करें, और प्रभु आप सबके साथ हो। आज की जो सारी रीडिंग्स हमारी पड़ी गई उनमें क्रक्स क्या है, उसमें परमेश्वर अपनी कलीसिया को कह रहे हैं कि मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मेरे वचन को अपने दिल में रख लो, और वचन को जब तक तुम वाइजली पढ़ोगे और तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा तब तुम वचन को डीपली समझ नहीं पाओगे, और जब तुम्हें समझ नहीं आएगी तो तुम कभी भी वो चमक नहीं ला सकते। एक बच्चा है जिसको मैथ समझ नहीं आ रहा हो तो वो नंबर क्या लाएगा, उसको कोई समझाने वाला चाहिए। मैंने अगर समझ आ गया तो वही बच्चा जो कि फेल हो रहा होगा वो चमकदार नंबर लेके आएगा, क्योंकि उसकी समझ खुल रही है। परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन को समझ के साथ पढ़ो, ताकि जब तुम्हारी समझ खुल जाएगी तो तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी मतलब हम कई बार वो चीजें मांगते हैं जो कि हमें मांगनी ही नहीं चाहिए, तो खुदावंद हमें कहता है कि तुम ये जानोगे कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, तुम परमेश्वर की रोशनी को जानोगे और वो चीजें मांगोगे जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है, और तब खुदावंद तुम्हारी सुन लेगा और तुम्हें पूरी तरह से भर देगा, बरकतों से भर देगा। और बाइबल में वचन कहता है क्लियरली तो अपना मुंह पसार मैं उसको भर दूंगा। तो खुदावंद आपको और मुझको पूरी तरह से भर देना चाहता है। हम वचन की रोशनी में आगे बढ़ते चले जाए और प्रभु हम सबके साथ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें अपने वचन से लबरेज किया। प्रभु बहुतायत से हमें आशीषित करें, हम बहुत सा फल लाए और हमारा फल तुझमें होकर बना रहे। खुदावंद इस कलीसिया को और अपने आप को तेरे हाथ में करते हुए दुआ करता हूँ। खुदावंद जो भी आगे के हम सबको डिसीजंस लेने हैं वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। प्रभु इस कलीसिया को बहुतायत से बरकत दे, और प्रभु जितने भी मेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर ये तेरा वचन है वो उससे आशीषित हो, और खुदावंद तेरे वचन को सुने समझे और उसके मुताबिक चले और फल लाए। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने चर्च का एक ग्रुप बना दिया है जिसके अंदर सबको सारे सर्मन से नोटिसेस आते हैं। आप जो है उस पे अपने सर्मन को देख सकते हैं, और हम जूम का लिंक आपको भेजते हैं। हर वेनसडे हमारी जूम प्रेयर मीटिंग होती है, और आप वो सिर्फ 40 से 45 मिनट की होती है, और जूम लिंक इज ऑन द स्क्रीन। आप उसमें जाएं और उसमें जूम लिंक पे आप कांटेक्ट करें, आप उसपे ज्वाइन करें, तो आप परमेश्वर के वचन में बहुतायत से जुड़ पाएंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग परमेश्वर के वचन में बढ़े, जैसा कि उसका वचन भी कह रहा है कि हम सब उसके वचन में बढ़े, और खुदावंद आपके साथ हर समय है और वो आपकी बरकत हर समय देगा। वो यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। तो हम भी खुदावंद के वचन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सब मिलकर ढूंढे, ताकि खुदावंद हमें बताए से मिले, उसका प्रकाश हमारे अंदर स्थापित हो। 21 जून 2020 को हमारी एक पास्टरेट कमेटी मीटिंग हुई थी, उसी में ये डिसीजन लिया गया क्योंकि हम लोग चर्च नहीं आ पा रहे, तो आप लोग जो है अपने जो हदिये हैं वो जब सेकंड गाना होता है उस समय आप अपने हदिये को कलेक्ट करें, अपने कलेक्शंस को, अपने डोनेशंस को, अपने जो भी ऑफरिंग्स हैं उनको आप सेकंड गाने में कलेक्ट करें और उसको आप चर्च के अकाउंट पर भेज दें। द अकाउंट डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन, आप उनको चर्च के अकाउंट पे भेज दें।
अगर आप नेट ट्रांसफर करने में कोई मुश्किल होती है, यानी अकाउंट ट्रांसफर जो है नेट से जो होता है उसमें मुश्किल होती है, तो आप क्रॉस चेक बना के चर्च में मिस्टर सलीम आपको मिलेंगे, आप उनको दे सकते हैं। हमारे चर्च के खुलने के दिन करीब है, मगर हमको ये चीज देखनी है कि चर्च के अंदर सिर्फ 38 सीट्स हैं, क्योंकि चर्च का जो हर एक बेंच है, मतलब जो हर एक अल्टरनेट बेंच है उसी पे लोग बैठ सकते हैं, जो बीच का बेंच है जैसे बेंच नंबर ए, उसके बाद बेंच नंबर दो को हम बंद कर देंगे, उसको ऑलरेडी रिबन से बंद कर दिया गया है, और उसके बाद नंबर तीन आ जाता है, फिर उसके बाद चौथा बेंच बंद है, उसके बाद ऐसी करते हुए सारे चर्च में हर एक जो सेकंड नंबर का बेंच है, इवन नंबर का जो बेंच है वो बंद कर दिया गया है रिबन के द्वारा, ताकि आप लोग वहां ना बैठे। और चर्च में जो बैठने का जो स्थान है वो सिर्फ एक बेंच पे दो बंदे बैठेंगे, और वो भी दोनों साइडों में, बीच में और कहीं भी कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें यह है कि हर एक बंदे के बीच में 6 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि हम 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करें, मगर अब क्वेश्चन ये है कि हमारे लोग बहुत ज्यादा है और हमें अभी सरकार का जो ऑर्डर आया है वो सिर्फ 50 लोगों को अनुमति है, तो जो उस दिन ऑर्डर होगा उसके मुताबिक हमें चलना है। 60 से ऊपर के बंदे जो 60 साल से ऊपर के बंदे हैं वो चर्च में प्लीज ना आए, क्योंकि एसओपी के जो ऑर्डर है वो यही है कि आप बड़े बुजुर्ग लोगों को आने से मना करें, और जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से छोटे बच्चे हैं वो भी चर्च ना आए। परमेश्वर का वचन आपके घर पे पता से पहुंच रहा है, मगर आप लोग जो आना चाहते हैं उनके लिए हम चर्च सिर्फ 50 लोगों से ज्यादा नहीं खोल सकते, या जो भी उस दिन की डायरेक्शन होगी गवर्नमेंट की, आप लोग गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को जानते हैं, आप डेली उसको सुन रहे हैं टीवी पे भी और न्यूज में भी, तो आप अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डायरेक्शन आप लोग चर्च आए, क्योंकि हमने एक वॉलंटियर टीम बनाने की कोशिश की है, और वो टीम जो है वो ये देखेगी कि आप 60 साल से ऊपर के ना हो, आप 10 साल से छोटे बच्चे ना हो, आप जो है 6 फुट की दूरी मेंटेन रखे हुए हो, आप जो है मास्क हर समय लगाए हुए हो, आप बार बार अपना सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ कर रहे हो, ताकि आप लोग कोविड के खतरे से बच सके, क्योंकि कोविड एक डेडली बीमारी है, और आप जानते हैं मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सबकी खुद की जिम्मेवारी है। हम तो कहेंगे कि जो लोग चर्च में घर में भी देख रहे हैं उनको लिंक आता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपके घर पे सरवन आना भूल जाएगा, सरवन आपके पास लिंक पहुंचेगा, एंड आई विल इंश्योर कि जो सरवन वो देख रहे हैं वही सरवन दूसरे भी देखे, ऐसा नहीं है कि जो चर्च में आ रहे हैं उनको फर्क सरवन मिल रहा है और जो चर्च नहीं आ रहे हैं उनको नहीं आ पा रहे हैं उनको दूसरा सरवन मिल रहा है, तो सरवन वही होगा, एंड इट विल बी आई विल इंश्योर दिस। थोड़ी सी चीजें हमको सोचनी है कैसे करना है, और क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस पे भी हमें बहुत कुछ सोचना है कि कैसे काम को करना है, क्योंकि अगर चर्च खुलना है तो किसको बुलाए और किसको छोड़ दें, आप सब हमें अजीज हैं, इसलिए हम किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहते, और हम किसी ये भी नहीं होना चाहिए कि एक बंदा तो हर संडे आ जाए और दूसरे बंदे कई कई संडे तक ना आ पाए, बहुत सी चीजें जो है उस पर हम पास्टरेट कमेटी में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो जैसे ही हमारी पूरी पैराफर्नेलिया तैयार हो जाएगा, हमारी जो है वॉलंटियर्स टीम जो है तैयार हो जाएगी और हमें पास्टरेट कमेटी ग्रीन सिग्नल देगी, क्योंकि ये ड्यूटी है पास्टरेट कमेटी को देखना है कि सारे एसओपी पूरी तरह से फॉलो किए जाए, तो जैसे ही हम इस पर कोई भी डिसीजन लेते हैं हम आपको सूचित करेंगे, और आप लोग भी प्रार्थनाओं में लगे रहें कि जो भी हम मिलकर डिसीजन लें वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक हो, और खुदावंद सबको बचा के रखे और प्रभु आप सबके साथ हो। ये समय होगा कि हम अपना दूसरा गाना गाएंगे।
तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी सारी आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए मेरे प्रभु जी, तूने आज का दिन दिया कि हम सब मिलकर तेरी आराधना में शामिल हो सके और वो वचन जो हमारे बीच में बोया गया उसको सुन सके मेरे प्रभु जी। हम सबको ऐसी आशीष दे मेरे प्रभु जी कि ये वचन हम सब के दिलों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना और उससे भी कहीं अधिक फलवंत हो मेरे प्रभु जी, और हमारे जीवन मेरे प्रभु जी उस जीवन की उस वचन के अनुसार बनने पाए। और ये सब कुछ तेरी ही मदद से होगा मेरे प्रभु जी, क्योंकि हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते जब तक प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर ना हो। हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे हमारे पादर साहब के साथ होना जो तेरा वचन सुनाते हैं मेरे प्रभु, तुझ में अदौर दिन प्रतिदिन प्रभु जी और बढ़ते चले जाएं, तेरी आत्मा से और सामर्थ्य पाए प्रभु जी, ताकि तेरे वचन के गूढ़ अर्थों को प्रभु जी हमें अच्छी तरह से समझा सके। आजकल की हालात पर प्रभु जी तुझसे विनती करता हूँ कि कोरोना की स्थिति और दिल्ली में और जगहों पर मेरे प्रभु जी अच्छी नहीं है मेरे प्रभु जी, बढ़ता जा रहा है, हमारे साथ होना मेरे प्रभु जी। मार्च के बाद से, मार्च 15 को आखिरी बार चर्च में सर्विस हुई थी और अब दिसंबर साल का आखिरी महीना चल रहा है प्रभु, 9 महीने होने जा रहे हैं चर्च में आराधना नहीं हुई है। हमारे साथ होना मेरे प्रभु, ऐसा हो कि ये क्षण जल्दी से कटे, ये समय जल्दी से कटे और हम सब मिलकर प्रभु जी तेरे भवन में आकर तुझसे प्रार्थना करें और प्रभु जी भजन गाएं, प्रार्थना करें। तेरी आमद का समय चल रहा है मेरे प्रभु जी, 25 दिसंबर आ रहा है, काश कि ऐसा हो मेरे प्रभु कि तू हमारे मनों में जन्म ले मेरे प्रभु, और हम तेरे नए जन्म को प्रभु जी अपने जीवनों में प्रभु जी अनुभव करने पाए। हमारे यहाँ पर प्रभु जी किसानों का आंदोलन चल रहा है मेरे प्रभु जी, इस भरी ठंड में वो लोग सड़कों पर बैठे हैं, हे मेरे परमेश्वर उनकी सहायता करना, जो कुछ भी समस्या है उसका हल प्रभु जी बातचीत के जरिए जल्द से जल्द निकलने पाए।
जो कुछ भी लोगों ने अपनी इच्छा से दान दिया है मेरे प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो। जिस भंडार से आया है प्रभु, उस भंडार पर आशीष दे, और जिस जगह आया है प्रभु जी, वो भंडार बने, तेरी आशीष पाए मेरे प्रभु जी, और भले कामों में उसका इस्तेमाल किया जाए। हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर मांगता हूं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार अपने कसूरों को माफ करते हैं आप ही हमारे कसूरों को माफ करें, हमें इस बादशाह अपने दिन के बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह को तो तुझे लाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की कृपा का चढ़ाकर हम सबके साथ और सब ईमानदारों के साथ के साथ और हमारे लगभग के साथ अच्छी क्रमेश होती रहे, आमीन। And God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause his face to shine upon you, be gracious to you, give his grace to follow him. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. सब लोगों को जय मसीह की।